भारत में जलवायु परिवर्तन को लेकर 40 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की ताजा भविष्यवाणी डराती है। CMCC यानी कि यूरो मेडिटेरियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार अगर उत्सर्जन दर ज्यादा तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त रही तो 2036 और 2065 तक लू की स्थितियां 25 गुना ज्यादा समय तक रहने लगेंगी। G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन से पहले जारी रिपोर्ट कहती है कि अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री बढ़ता है तो लू चलने का समय 5 गुना बढ़ जाएगा। अगर उत्सर्जन बहुत कम हो और तापमान में 1.5 डिग्री से ज्यादा की बढ़त न हो तो लू का समय काल 1.5 गुना तक ही बढ़ेगा। CMCC वो रिसर्च सेंटर है जिसने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इटालियन फोकल पॉइंट की तरह इस्तेमाल करता है। गर्मी बढ़ने से फसलों के उत्पादन पर होगा असर। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु गर्म होने पर भारत में गन्ना, चावल, गेहूं और बाजरे की फसल कम होने लगेगी। एक्सपर्ट ने ये स्थिति उस सूरत में बताई है जिसमें कि पानी और पोषक तत्वों की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध हो। इसके अलावा बाढ़ या तूफान के प्रभाव को भी अनुमान में शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि असल में ऐसे हालात नहीं भी बन सकते हैं। मसलन 2050 तक खेती के लिए पानी की मांग करीब 29% तक बढ़ सकती है, जिसका मतलब ये है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। भारी आर्थिक नुकसान की आशंका। 30 साल के भीतर तापमान बढ़ने और भीषण लू से गंभीर सूखे की स्थिति बन सकती है। इसमें कृषि के लिए जरूरी पानी की सप्लाई को खतरा होगा, इंसानी जिंदगी का नुकसान होगा और जानलेवा आग लगने की आशंका बढ़ेगी। भारत में चावल और गेहूं के उत्पादन में कमी से 2050 तक 81 बिलियन पाउंड का आर्थिक नुकसान और किसानों की आय को 15% का नुकसान हो सकता है। बाढ़ के खतरे में भारत के 1.8 करोड़ लोग हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्लोबल लेवल पर 4 डिग्री पारा बढ़ा तो 2036 से 2065 तक कृषि संबंधी सूखे 48% तक बढ़ जाएंगे। 2 डिग्री तापमान बढ़ने पर सूखे जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं 20% तक कम हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन का असर मछली पालन पर भी पड़ने की आशंका है। उत्सर्जन कम रहा तो भी 2020 तक मछली पकड़ने में 8.8% की कमी आ सकती है। उत्सर्जन ज्यादा रहने पर मछली पकड़ने में 17.1% की गिरावट की आशंका है। रिपोर्ट कहती है कि जहरीली गैसों का उत्सर्जन ज्यादा रहने पर भारत में बाढ़ के खतरे का दायरा 13 लाख की आबादी से बढ़कर 1.8 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।